नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मास्टर चैनल से मैं आनंद कुमार आप सभी दर्शकों का अपने लाइव अपडेट वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज निफ्टी ने फिर गैप डाउन ओपनिंग दी और 21426 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। इसके बाद दोस्तों यहां पहली 15 मिनट की कैंडल बनी और 15 मिनट की कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ और मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से नीचे को लो लगाया और 21285 का मार्केट लो लगा के वापस बाउंस ब्रेक होकर ऊपर क्यों निकल गया। तो दोस्तों ये इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो तो हमको पहले 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार करना है और उसका ब्रेक हो तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। और दोस्तों आज भी ऐसा ही हुआ, आज हमारे सभी सब्सक्राइबर ने यहाँ तक कि दोस्तों मैंने भी एक भारी लॉट में पुट लिया था, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। और दोस्तों उसके बाद मैंने इसी जगह आके जब मार्केट वापस मुड़ने लगा तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दोस्तों अभी तो ये थी अभी तक की स्थिति थी और मार्केट जो है अभी इस वक्त 21450 के आसपास स्टे कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि एक हमारा ये कंसोलिडेट जोन है और कंसोलिडेट जोन पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब दोस्तों यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते नीचे की ओर ब्रेक करता है, दोस्तों इसमें नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के तो पुनः दोबारा नीचे आने की संभावना है और मार्केट अपने पुराने जो अभी आज का लो है उस लो तक आएगा। लो पे आने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद दोस्तों दोबारा अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत तेजी से नीचे आने की संभावना है और ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर मार्केट जो है वो 21450 से 21230 और 21230 के को भी अगर ब्रेक करता है तो दोस्तों फिर 20900 तक आने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों हमारी दूसरी जो कंडीशन है उसमें मार्केट चूंकि अभी अपने कल की क्लोजिंग को टच करके आ चुका है इसलिए इसके ऊपर संभावना कम है, लेकिन यदि दोस्तों फिर भी यदि मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद यदि मार्केट ऊपर निकलता है तो ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 21600 तक मार्केट जा सकता है और कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमें जो अच्छी ट्रेड है वो आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखें, हमें अच्छी ट्रेड जो है कंसोलिडेट इस जोन में कंसोलिडेट होना और कंसोलिडेट होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हमको बहुत तेज़ी से एक पुट में 0-0 जैसी संभावना हो सकती है दोस्तों। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें और अगर हमको इसमें कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो ट्रेड जरूर लें दोस्तों, आज अच्छा प्रॉफिट कमाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट्स कीजिए और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसी तरह के एजुकेशन वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिले। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।